हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप जानते हैं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इस बार ओपन बुक सिस्टम में एग्ज़ाम होने वाला है। तो वहां पर क्या होता है कि आपका जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त आपके फ़ोन नंबर से आप अपने जीमेल आईडी जो होता है वहां से क्या करना होगा, आपका जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वहां पर आपको क्वेश्चन, वहां से अपने जीमेल आईडी से लॉग इन करके आपको वो क्वेश्चन पेपर आपको कलेक्ट करना है। तो यहां पर बात होता है कि आपका जीमेल आईडी आपको क्या था आपको मालूम नहीं है। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर जो एडमिशन करते वक्त आपने जीमेल आईडी दिया था, वही जीमेल आईडी आपको इस बार लॉग इन करना है उस जीमेल आईडी से। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने जीमेल आईडी को भूल चुके हैं या अपने फोन नंबर को भूल चुके हैं, इस तरह से आपका प्रॉब्लम है आपके जीमेल आईडी के साथ। तो यहाँ पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वेबसाइट में कुछ दिन पहले आपको जीमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन दिया था, लेकिन फिलहाल वो ऑप्शन ऑफ किया जा चुका है। वो ऑप्शन नहीं है कि आप अपने जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, न्यू जीमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं, फिलहाल वो ऑप्शन ऑफ किया चुका है। तो आप बात होता है कि किस तरह से आप अपने जीमेल आईडी को न्यू जीमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन फिलहाल बंद है। तो आप अपने जो वर्ल्ड आपका जीमेल आईडी था वो आप भूल चुके हैं या उसका पासवर्ड क्या था, इस तरह से प्रॉब्लम है। तो मैं एक पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से आप अपने जीमेल आईडी को रिकवरी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी जीमेल आईडी हो आप अपने ला सकते हैं। तो मैंने सारे प्रोसेस वहां पर बता चुका हूँ किस तरह से आप अपने जीमेल आईडी को ला सकते हैं, तो चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात होता है कि अगर न्यू जीमेल आईडी आप ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अपने गुवाहाटी, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था अपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में। तो यहाँ पर बात होती है कि आप वहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज के जो ऑफिस स्टाफ है उनसे बातचीत करें, आपका जो कॉलेज के किराने हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है आपके जीमेल आईडी, न्यू जीमेल आईडी ऐड करने का। तो उनसे बातचीत करके आप अपने जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं और न्यू जीमेल आईडी वहां से आप ऐड कर सकते हैं। तो यह फिलहाल ऑप्शन है, आप अपने कॉलेज स्टाफ से बातचीत करें, आपके कॉलेज जो किराने हैं उनसे बातचीत करें, उनसे बातचीत करके आप अपने जीमेल आईडी को रिकवरी कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूले, और इस चैनल पर आप अगर न्यू विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।